चुनाव के आचार संहिता लगने के बाद बुधवार को महायुति की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महायुति सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर पूर्व की सरकार पर निशाना साधा। राज्य में कानून और व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर आक्रामक है। सीधा निशाना राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर साधा जा रहा है। विपक्ष के आरोपों पर फडणवीस ने जवाब देते हुए विपक्ष पर नैरेटिव तैयार किए जाने का आरोप लगाया। फडणवीस ने कहा कि राज्य में कोई भी घटना होती है तो पुलिस कार्रवाई करती है। फडणवीस ने कानून और व्यवस्था के विषय को लेकर ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल की याद दिलाई। फडणवीस ने कहा, जिसके गृह मंत्री जेल गए, जिसने उद्योगपति के घर के सामने बम रखा, पोल खुलने की आशंका को भांपते हुए मनसुख हिरेन की हत्या करा दी, जिन्होंने पत्रकारों के साथ अन्याय किया उन्हें जेल में डाला, वे अब हमें कानून व्यवस्था के बारे में बताएंगे। बाबा सिद्दीकी के मामले में जो भी आरोपी होगा उसे सजा मिलेगी। इस घटना की 4 से 5 दिशाओं से जांच चल रही है और पुलिस इस बारे में उचित जानकारी देगी।